चंबल में खनन माफिया के बुलंद हौसलों का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम ने रोकने का प्रयास किया तो खनन माफिया ने वन विभाग के वाहन को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त करने के बाद वन विभाग की टीम पर फायर करने के साथ पथराव भी किया। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आरोपियों की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। खनन माफिया द्वारा किए पथराव में एक राहगीर घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पहाड़ी वन चौकी का अमला करह रोड पर गश्त करने निकला थे, जो वाहन को सड़क किनारे खड़ा करने के बाद पैदल गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से ट्रैक्टर आते दिखा, जिसमें अवैध रूप से पत्थर भरे हुए थे, जिसे वन कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उसने वन विभाग की गाड़ी को टक्कर मारने के बाद भागने का प्रयास किया, जिसका वन कर्मियों ने दौड़कर पीछा किया तो उन्होंने कट्टे से फायर कर दिया और टीम पर पथराव भी किया, जिसके बाद वह ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। बाद में वन विभाग और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जेसीबी की मदद से ट्रॉली को खींचकर थाने भेजा। नहीं, चोट ड्राइवर साहब को बता रहे हैं, मुझे चोट है, बाकी तो किसी को चोट नहीं है, नीचे थे इसलिए इनको किसी को चोट नहीं। माफियाओं ने फायरिंग भी हुई है, उसकी हम विवेचना करते हैं। एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है, जो की अपने आप को चरवाहा बता रहा है, जो जिला चिकित्सालय में भर्ती है। नहीं, उसकी हम जांच कराते हैं। गोली लगने से? हाँ, गोली तो इनके पास वो छर्रे वाले राउंड है। ये दोनों तरफ की फायरिंग की आईडिया नहीं है। स्टाफ जो बता रहा है अभी, मिट्टी से फायर किए उन लोगों ने और मिट्टी पत्थर से बरसाव किया, स्टाफ भाग गया, तो भागने के बाद में उन्होंने अपना जो है ट्रैक्टर ले गए।